उज्जैन की इंगोरिया पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया और शराब की तस्करी करने वाले बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए कीमत की शराब और मवेशी जब्त किए गए हैं। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन के बाद इंगोरिया थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सूचना मिलने पर गुंडे बदमाशों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गोरिया पुलिस को सूचना मिली कि शराब की तस्करी करने वाले और मवेशियों की तस्करी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, सख्त कार्रवाई की गई, अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तरीके से आज गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और शराब भी जब्त की गई है, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गुड़िया साहब एवं एसडीओपी साहब बोर्ड साहब के कुशल मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय से एक अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसी क्रम में गो तस्करी और शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 9 तारीख को हमारी टीम को सूचना मिलने पर घेराबंदी कर एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया और उससे चेक किया, जिसमें करीबन 11 गोवंश मिले हैं। गाड़ी की कैरियर में 2 शराब से भरी हुई केन भी मिली है, जिसे जब्त किया गया है। आरोपियों जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनके तार विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में गोवंश को ले जाकर इन्हें हत्या करने के लिए ले जाते हैं। ये आदतन अपराधी है। आज आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी इस धंधे में कई लोगों के लिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।